हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक सवाल पूछा गया कमेंट सेक्शन में कि जो हमारे LHB कोचेज हैं उसमें जो स्लीपर वाले कोचेज हैं, अगर हम उसके पुराने और नए रूप को ध्यान से देखें तो उनकी विंडोज़ में डिफरेंस है। अगर आप पुराने वाले कोचेज़ की विंडोज़ को देखें तो वो थोड़ी छोटी छोटी विंडोज़ हैं, हर पैसेंजर के लिए एक एक विंडोज़ है। और जो आप नए वाले थोड़े LHB कोचेज देखो जो रीसेंट में बने हैं स्लीपर क्लास वाले, उनकी विंडोज़ का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। आइए वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। और इस टाइप की वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करते हैं, एंड प्लीज़ कॉमेंट करके और बताया करना कि आप क्या और जो है देखना चाहते हैं, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये भी जो है कॉमेंट्स में बताया करना। तो दोस्तों, अगर आप पुराने वाले स्लीपर कोचेज को ध्यान से देखें, उनकी विंडोज़ को ध्यान से देखें, तो विंडोज़ वाले जो पैसेंजर्स हैं ना, उनके लिए वो इंडिविजुअल विंडोज़ है। मतलब आप दो पैसेंजर सामने सामने बैठे हैं तो दोनों के लिए अपनी अपनी सेपरेट विंडोज़ यहाँ पे जो हैं। बट वहीं अगर आप नए वाले LHB कोचेज को देखें तो वहाँ पे दो जो पैसेंजर आमने सामने बैठे हुए हैं विंडो के ऊपर, उनके लिए कॉमन विंडो यहाँ पे जो है लगी हुई है। तो ये डिफरेंस किस तरह से जो है आ गया। तो दोस्तों, इसका रीज़न बताने से पहले अगर मैं आपको AC वाले कोचेज को दिखाऊँ और आप को कुछ ना कुछ जो है समझ में आना स्टार्ट होगा। दो मिनट के लिए अगर आप AC वाले कोचेज की विंडो को विदाउट ग्लास इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको काइंड ऑफ समझ में आएगा कि यार ये तो दिखने में आपके नए वाले स्लीपर कोचेस के जैसे हैं। मतलब नए वाले स्लीपर कोचेस की अगर विंडो को रिमूव कर दें और सिर्फ शेल बचे, और अगर आप AC वाले कोचेस हैं उनके भी विंडो को रिमूव करके सिर्फ शेल बचे, तो दोनों देखने में जो है एक जैसे हैं। एक्चुअली दोस्तों, कोच फैक्ट्रीज के अंदर ये जो है चेंज किया गया था। अब नंबर ऑफ कोचेस की प्रोडक्शन को तेज़ करना था और स्लीपर कोचेस का जो शेल है उसका जो विंडो वाला हिस्सा है वो अलग है। देखिए, अगर मैं आपसे टेक्निकल लेवल में बात करूँ तो LHB कोच तो सारे ही सेम है ना, चाहे वो फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, थर्ड AC हो या स्लीपर क्लास हो। टेक्निकल लेवल पे तो सारे सेम है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो डिफरेंस है कि अंदर की सीट वगैरह का अरेंजमेंट ही तो अलग होता है। एंड स्पेशली इन कोचेस के जो साइड पैनल्स हैं, मतलब जहाँ पे आप विंडो देखते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना आपके पुराने वाले स्लीपर में और नए वाले स्लीपर में। तो रेलवे ने इसको चेंज करा, और इसने क्या करा कि जो थर्ड AC या AC क्लास के अंदर जो आपका साइड पैनल लगता है विंडो के लिए, एग्जैक्टली उसको उठा के लगा दिया स्लीपर क्लास के अंदर। लेकिन आप स्लीपर क्लास में अगर आप वो वाला साइड पैनल लगाओगे तो एक प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ आप छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए उन्होंने एक वो कटआउट बनाया और थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया। ऐसा किस लिए किया गया? ताकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है वो तेज़ की जा सके, एंड स्पेशली स्लीपर कोचेस को बनाने के लिए अलग से प्रोसेस, एक अलग से स्पेशलाइज लोगों की टीम वगैरह की जो है ज़रूरत नहीं है। वही साइड पैनल जो आपका थर्ड AC में यूज़ होगा या AC क्लास के लिए यूज़ होगा, सेम साइड पैनल ग्लास वगैरह हटा करके आपका जो है स्लीपर क्लास में लगना जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग नाम की एक चीज़ होती है। आप जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते जाओगे, पर यूनिट कॉस्ट जो है घटती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए या कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी ये स्टेप जो है लिया गया होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। यदि आपके कोई कमेंट, सुझाव या बातचीत है तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे मेरे इस पेज पे जो है मिल जाऊंगा, जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, नहीं तो कमेंट कर देना, वहाँ रिप्लाई कर दूंगा यार।